गैरत, सरकार को नजर ना लगा देना। चल हट पीछे। मौसी, सरकार कमजातों के साथ कैसा सुलूक करते? कमजातों को सेजों पे नहीं बिठाते। तेरे तो बख्त अच्छे थे जो तू उनकी गाड़ी से टकरा, नहीं तो पहुंच जाना था तुझे अपनी ठाम। फैसला हो चुका होता तेरा। चल रोटी शोटी खा के कमरा साफ कर, और बहुत दिन ऐश कर लिए तूने। चल था तू सिकंदर, तख्त सुल्तान जाएगी तो तेरी जात पूछी जाएगी, तेरी शनाख्त पूछी जाएगी। सच कहता था तू सिकंदर, तख्त सुल्तान वाले कानूनी कार्रवाई करते हैं। अब सरकार पूछेंगे मुझसे मेरी जात, शनाख्त कहाँ गया तू सिकंदर, कहाँ है तू? कहीं मर तो नहीं गया? मरना नहीं सिकंदर, मरना नहीं, मरना नहीं सिकंदर। मौका मिलते ही मैं तेरे पास आ जाऊंगा तुझसे मिलने के लिए। हाँ बात है, चली जा मानी, कम से कम तू वहां महफूज तो रहेगी। तू मेरी फिक्र क्यों कर रही है? मैं, मुझे कुछ नहीं होगा। तू जिएगी ना तो मैं भी जिंदा रहूंगा। तू जा ना, तू जा, जा चली जा। मैं उन लोगों को काबू करूंगा, करीब आ रहे हैं, तू चली जा यहां से। जा, जा, जा।
आप आ गए डॉक्टर साहब, कब से इंतजार कर रही थी। लगता है रात भर तन्हा जागी हो। मैं तो जागती रही हूँ लेकिन मरीज नहीं जागा। देखिए तो कैसे मजे से सो रहा है, जैसे सारे काम निपटा के आया हो। लेकिन तुम्हें अपनी तबीयत का ख्याल भी रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि काम में फंसकर किसी मुश्किल का शिकार ना हो। वैसे भी तुम अपने आंटी जान को तो जानती है। कुछ बेहतरी है डॉक्टर साहब? कुछ बेहतरी है। परेशानी लगी हुई थी कि तुम पहुंची हो कि नहीं। पहुंच गई, और कुछ? बस अब मेरे दिल को इत्मीनान है कि तुम खैरियत से पहुंच गई। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों होने लगी मेरी? अरे मेरी जान, तुम जब गुस्से से हवेली मुराद से निकलकर माड़ी की तरफ जाती हो तो डर लगता। मैंने तुमसे मांगा ही क्या, बस एक छोटी सी ख्वाहिश का इजहार ही तो किया था। तुम्हारी ख्वाहिशात दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जावेद, और मेरे घर वाले तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए नहीं है। अरे मैंने तुमसे मांगा ही क्या है, बस इतना ही तो बोला है कि अपने मामू सरकार से थोड़ा सा मेरा ख्याल रखने के लिए बोल दो। जैसे तुम चाहते हो वो नहीं हो सकता, कभी नहीं। फिर अम्मी सरकार से कहना कि आपका दामाद आपको बहुत याद करता है और इस बार कोई अच्छा सा तोहफा भेजे। बाकी मैं चाचा सरकार से खुद ले लूंगा। देखो जावेद, मुझे ना फजूल बातें करने का शौक है और ना ही सुनने का, तो आपके लिए बेहतर है कि आप अपनी हद पार ना करें। मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ मेरी शादी इसलिए नहीं की कि वो तुम्हारे पूरे खानदान की जिम्मेदारी उठे। अच्छा, मान ली तुम्हारी बात, बस खुश। हाँ चलो शाबाश, अब गुस्सा छोड़ दो। मेरी प्यारी बीवी बनकर मेरा पैगाम मेरी प्यारी अम्मी सरकार को दे दो। मलिक जावेद तो नहीं सुधरे। कुछ ज्यादा ही देर हो गई है माँ बेटी की मीटिंग को। दारा जी, बीबी सरकार। तू जा, बिल्ली की तरह पौले पांव रखते, जरा सुनकर तो आ क्या जहर उगल रही है वो हवेली मुराद वालों के बारे में। अच्छा जो हुकुम बीबी सरकार। घर में रखने वाला मरीज नहीं है रागी, इसकी हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर भी यही कहकर गया है। किसी गैर के लिए अपने आप को मुसीबत में डालने की भला क्या जरूरत है? और फिर ये है कौन तेरा? कोई होता मेरा तो आज यहां खड़ी होती।
कोठे पे देख रही हूं, रास्ते तेरी जबान बड़ी चलने लगी। बस कर ये नाटक और जाके तैयार हो, रात को महफिल नहीं करनी क्या? पर इस दवा दारू के लिए भी पैसा चाहिए होता है। कल रात भी तूने उसे नाराज करके भेजा, आज वो फिर आ रहा है। याद रहे, गुस्से का बहुत तेज है। जन्नत कहाँ? बड़ी सरकार के कमरे में बैठी है जी। जन्नत, जन्नत, जन्नत। मामू सरकार, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आपको पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, कहाँ थे आप? चल, हो गया शुरू ड्रामा मामू भांजी का। अरे मेरे बच्चे, बस वो जमीनों के कुछ चक्कर थे, उसमें फंसा हुआ। और मुझे अगर पता होता कि तुम आ रही हो तो भला मैं घर से जाता कहीं, बल्कि तुम्हें रिसीव करूं। मैंने सोचा मैं आपको सरप्राइज दूं। आप मुझे ये बताएं, कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? अरे बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा। मगर जब तुम इस तरह अचानक आती हो ना मुझसे, तो एक अजीब सी परेशानी होना शुरू हो जाती है। बस यही फिक्र लग जाती है कि तुम जावेद ठीक है? वो ठीक है मामू सरकार, वो बस मुझे आपकी याद आई तो मैं यहाँ चली आई। अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि जब तुम माड़ी में आती हो तो यहाँ जिंदगी आ जाती है, और मेरी तो सारी यकीन ही बदल जाती। अब आई हो तो रात में खाना खाए बगैर नहीं जाओगे, और मंगाते हैं तुम्हारा वही फेवरेट चाइनीज शहर से। हम स्टडी में है। दिल का हाल पता है, हम दोनों माँ बेटे की नीयत बिल्कुल साफ है। ए मालिक रहम कर, ए रब्बा रहम कर, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं, रहम कर दे मालिक, मेरे सिकंदर को इस मुसीबत से निकाल दे। हमारी सारी बातें तुझे बताए, तेरे दरबार से कभी कोई खाली हाथ भी जाता। मेरे बच्चे की हिफाजत करना मेरे परवरदिगार, मेरे बुढ़ापे का सहारा सिर्फ तुम ही है। मांग ले चाची, मांग ले, जितनी दुआ मांगनी है मांग ले, लेकिन साथ एक दुआ और मांग
मास्टर हमारे हाथ ना लगे। वे असलम पुत्रा, अल्लाह ताला भी इंसान की नादानियों को माफ कर दे। अगर हम एक दूसरे को माफ नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। ओ बस कर चाची, बस कर। ओ इतनी तरबियत तू अपने बेटे की करती ना तो उसकी जान की भीख नहीं मांग रही होती। तूने और तेरे बेटे ने जैसे सारे पिंड में हमारी नाक कटवाई है ना, इसकी सजा तो मिलेगी। अभी भी बता दे जुलेखा और मास्टर कहाँ हैं, मैं तुझे तेरे बुढ़ापे का सारा वापस कर दूंगा। ओ असलम बा, तुझे और पूरे पिंड को चाची और मैं समझा समझा के थक गए कि हमें उन दोनों की कोई खबर नहीं। अगर खबर होती तो उन दोनों को लेकर आ जाते। आखिर कौन चाहता था कि इतनी बदनामी हो। तूने और तेरी बहन ने रास्ता दिखाया उन दोनों को। मेरी कलखन खोल के सुन ले, दो दिन में मुझे अगर उनकी खबर ना आई ना तो तेरी और तेरी बहन की खैर नहीं।